ओके सो अभी 12 बज रहे हैं और ब्रह्मास्त्र जो है अभी फाइनली फिनिश करी है, एकदम खत्म हुई पिक्चर। उम्मीद है आप लोग सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर रहे होंगे जो आपको खुशियां देता होगा। बहरहाल अभी का ब्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं एग्जैक्ट 8:30 पर, एग्जैक्ट 8:30 हो रहा है और सुबह मैं 4:30 बजे ऑफिस से आया था, अभी मैं सो के उठ गया। और ये ब्लॉग दरअसल ब्लॉग नहीं है, ये एक तरह का रिव्यू है क्योंकि आज फ्राइडे है और अभी 9 बजे का मैंने शो बुक करा है ब्रह्मास्त्र का, और मैं इस फिल्म का बहुत टाइम से वेट कर रहा था और आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो इस फिल्म का देखने जा रहा हूँ। और मैं आज आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊंगा कि आपको ये फिल्म देखनी है नहीं देखनी है, क्यों देखनी है, मैं मतलब सारा रिव्यू दे दूंगा। एज अ फिल्म क्रिटिक नहीं दे रहा, मतलब एज अ व्यूअर मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म देखनी है नहीं देखनी, क्यों। इन दिनों हर चीज़ का बॉयकॉट हो रहा है, होने दो, लेकिन मुझे तो ये फिल्म बहुत टाइम से देखनी थी। तो फटाक से हम चलते हैं बिना किसी देरी के और आप लोगों को इस फिल्म के बारे में बताता हूँ कैसा क्या है। बस्ता रेडी है, बिस्की रेडी है, तो अब चलते हैं। चलो एग्जैक्ट 9 बज चुके हैं और जो एड्स हैं वो शुरू हो ही चुके होंगे फिल्म के, तो फटाक से चलते हैं ऊपर। और अभी क्या है कि पूरा मॉल बंद है, जो थिएटर में ऑक्यूपेंसी थी मैंने पेटीएम से बुक करा था टिकट, तो काफ़ी सही थी, तो फटाक से चल के अब देखते हैं वहाँ पे ऊपर कैसी है ना। सो नाउ लेट्स वॉच द फिल्म। अभी हो चुका इंटरवल और मैं फिल्म देख ही रहा हूँ, अभी नहीं बताऊँगा कैसी लगती है। आई हर्ड द न्यूज़ दैट दे आर मेकिंग ब्रह्मास्त्र एंड सिंस दैट डे आई वाज वेटिंग फॉर दिस फिल्म बिकॉज आई वांटेड टू सी रणबीर इन अ वेरी न्यू रोल बिकॉज आई लव हिम। सो अभी क्या है, मैंने थोड़ा सा हल्का सा स्नैक ले लिया है क्योंकि सुबह का टाइम ही हो रहा है, अभी वक्त 11:30 मैं बताता हूँ तुम्हें टाइम कितना हो रहा है, एग्जैक्ट 10:30 हो रहा है। तो अभी मैं फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताऊँगा, मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ फिल्म का, मैं बस आप लोगों को फर्स्ट थॉट्स दूंगा कि एज अ व्यूअर, मतलब एज एन ऑडियंस अगर आप देखने आते तो कैसी लगती है। मैं तो फिल्म हमेशा एज अ व्यूअर ही देखता हूँ, मैं ज़्यादा कोई जज नहीं करता, मुझे फिल्म अच्छी लगती है तो अच्छी लगती, नहीं लगती तो नहीं लगती, सिंपल होता है। घर आ गया फिल्म देखकर और अब वक्त आप लोगों को रिव्यू देने का फिल्म का, एज अ व्यूअर, नॉट एज अ फैन, नॉट एज अ क्रिटिक, बट एज अ व्यूअर। तो फिल्म का मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, मैं बहुत टाइम से फिल्म का वेट कर रहा था और जब भी कोई मैं फिल्म देखने जाता हूँ ना, तो अगर उस फिल्म के गाने अच्छे होते ना तो वो चेरी ऑन द केक वाली बात हो जाती है। ऐसे मेरे साथ आशिकी 2 में भी हुआ था कि फिल्म मुझे पता नहीं था कैसी होगी लेकिन गाने बहुत अच्छे थे तो मैं देखने चला गया था और फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। और ब्रह्मास्त्र के साथ ये कि गाने बहुत ही खूबसूरत है फिल्म के, ऑक्यूपेंसी 70-80% थी सुबह के शो में, मतलब 9 बजे के शो में आप देख रहे हो कि 70-80% की ऑक्यूपेंसी थी। और फिल्म काबिले तारीफ है, मतलब विजुअल एक्सपीरियंस जो 2.5 घंटे मिलने वाला ना आप लोगों को, बहुत बेहतरीन। और मैं मतलब बहुत सारे लोग क्या ना कि मार्वल फैन है, जो मार्वल स्टूडियोज के फैन है ना, वो सोच रहे कि उस तरह की फिल्म है। मैंने मार्वल स्टूडियोज की शायद ही कोई फिल्म देखी है, 1-2 फिल्म देखी होंगी मुश्किल से, मुझे पता नहीं है। मैं कोई बहुत मार्वल फैन हूँ नहीं, मेरे को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ब्रह्मास्त्र बिल्कुल हटके फिल्म है, बिल्कुल एकदम एक स्टोरी है, एक इमोशन है, क्योंकि रणबीर की जो इमोशनल रेंज है उसका तो तोड़ ही नहीं है। और पूरी स्टार स्टडेड फिल्म है,
बहुत प्यारी फिल्म है यार, और बहुत सारे स्टार्स हैं, आपको स्पेशल कैमियो देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। शुरू में जो उनका सीन है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा ऐसा ही लगा, पता नहीं क्यों बहुत अलग तरीके का सीन था, कुछ खास नहीं था उस सीन में, बट इट वॉज ओके। शुरू से ही पेस पकड़ रखी थी फिल्म ने और बहुत ही उम्दा लेवल की फिल्म बनाई है एन मुखर्जी ने, और गाने बहुत अच्छे हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे, विजुअल एक्सपीरियंस जो आ रहा था। मैं आजकल 3D में कोई फिल्म देखूंगा नहीं, ये मेरी लास्ट 3D फिल्म थी। मैं कोई 3D फिल्म्स का इतना फैन हूँ नहीं, क्योंकि 3D फिल्म्स में क्या होता है थोड़ी सी अजीब सी स्क्रीन सी आती है, मुझे समझ नहीं आता, तो मैं 2D में ही फिल्म देखना पसंद करता हूँ ज़्यादातर। तो अब इसके बाद मैं कोई 3D में मुश्किल ही फिल्म देखूंगा, कोई देखूंगा तो पता नहीं। तो आप लोग जाइए थिएटर में, बॉयकॉट फ्री फिल्म है एकदम, इस पर बॉयकॉट का कोई असर पड़ेगा नहीं, इतना मुझे पता था शुरू से ही। और मैं पहले दिन से ही वेट कर रहा था जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई थी ना कि यार ये फिल्म तो देखनी है बाबा, ये फिल्म तो देखनी है। तो फाइनली आप लोग जाइए, फिल्म थिएटर में लग चुकी है, गाने बहुत अच्छे हैं, सिनेमाटोग्राफी बहुत प्यारी हुई है फिल्म की। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ खास ऐसा ऐसा चल रहा हो, इधर से एंगल आ रहा है उधर से एंगल, ऐसा नहीं है। फिल्म की स्टोरी ना बहुत ड्रिवन सी है, मतलब चलती रहती है, आपको ऐसा नहीं है कि होता ना कहीं की फिल्म में कि यार वो 15 मिनट खींचे हुए थे, यार वो थोड़ी सी वहाँ पे ऐसे रुक गई, धीरे धीरे हो गई फिल्म, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पेस शुरू से लेकर एंड तक फिल्म ने पकड़ा और वो बरकरार रहा है, और एंड तो बहुत ही मतलब खूबसूरत बनाया है। जो क्लाइमैक्स है ना फिल्म का, जो लास्ट के 20-25 मिनट्स है, बहुत बेहतरीन है। तो आप लोग जाइए थिएटर में, फिल्म लग चुकी है, जाकर देखिए, और कॉमेंट में मुझे भी बताना कि आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी। और मैं कुछ खास ज़्यादा बोलूँगा नहीं फिल्म के बारे में, वरना लोग बोलेंगे स्पॉइलर दे रहा है, स्पॉइलर दे रहा है। मुझे तो पता नहीं स्पॉइलर्स की क्या फिल्म ये आजकल चली है, पता नहीं, कुछ साल पहले तो नहीं था ये स्पॉइलर वाला, सब लोग आके बताते थे स्टोरी। तो खैर अब नहीं दूंगा मैं स्पॉइलर्स ज़्यादा, आप लोग जाके फिल्म देख लो। तो रिव्यू मैंने दे दिया, बस यही था, नॉर्मल बात ही करनी थी बस कि कैसी है फिल्म। सारे स्टार्स बहुत, मतलब लोकेशन भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। जो एक गाना है ना उसमें, डांस का भूत चढ़ा एक गाना है उसमें भाई, उसको सेट कितना बड़ा लगाया इन लोगों ने यार, कितना बड़ा सेट है उस गाने का, इतना बड़ा गाना बनाया और इतने लार्जर देन लाइफ गाने शूट करे हैं। केसरिया वाला भी गाना बहुत बढ़िया शूट करा है, अमेजिंग फिल्म भाई, अमेजिंग फिल्म, जाकर देखो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कॉमेंट में आप लोग फिर बोल रहा हूँ ज़रूर बताना जब आप देख कर आओ कि फिल्म कैसी लगी आप लोगों को। आई विल बी वेटिंग फॉर रिस्पॉन्सेज, और नॉट एज अ फैन, नॉट एज अ फिल्म क्रिटिक, जस्ट अ सिंपल थॉट। थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ एंड सी यू।